इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे वो क्वेश्चन देखेंगे जो रूल्स हम सारे के सारे पढ़ चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल के बेस पर, जो मैं अपनी पिछली वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स सिखाए थे। अब जो क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बेस पर वो क्वेश्चन हम सारे सारे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1010 1010 1 1011 1 1010 1 1010। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि आपको सारे सारे रूल समझा चुका हूं। अब जो क्वेश्चन है वो सारे सारे डिस्कस कर रहे हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल ऑलवेज डिविजिबल अ 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म xy xy xy, मतलब कि xy 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 फॉर्म का एक 6 डिजिट का एक नंबर है जिसमें हम बोलते हैं 6262 6256 5656 5656। इस फॉर्म में कोई नंबर है, वो पूछा है इन चारों नंबर में से किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो हमें पता ही है 10101 से डिविजिबल होगा। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं, इस वीडियो के अंदर जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस कंपिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, और हम सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जो डिविजिबिलिटी रूल के बेस पर होते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी 6 डिजिट नंबर हो इसके अंदर 3 बार 2 डिजिट रिपीट हो रही हो, 1 बार 2 बार और 3 बार रिपीट हो रही, तो 10101 से हो रहा है। अगर ये नंबर 5656 लिखा होता, मतलब कि xy xy की फॉर्म में लिखा होता, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होता, 101 से। मगर यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रही है तो ये डिविजिबल होगा 10101 से। अगर मेरी पिछली वीडियो जो कि मैंने डिविजिबिलिटी रूल के बेस पर बनाई थी, अगर अब तक नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देख लें, बहुत ही बेसिक से मैंने सारे से रूल समझाए थे, और इस वाली वीडियो के अंदर हम उन रूल्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट ऑफ द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय। देखो क्या नंबर बोल रहा है, एक नंबर है xy, मैं बोलता हूं 98 एक नंबर है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 81। जो नंबर प्लस करके जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट नंबर आएगा, इन चारों ऑप्शन में से किससे डिविजिबल होगा, 11 9 5 और 3, किससे डिविजिबल होगा, वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ये बताई थी, अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर हो 98 56 74 9 78 79, कोई भी 2 डिजिट नंबर लिख लो, उसको बाद उसको इंटरचेंज करके उसको एड ऑन करोगे तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर उसको इंटरचेंज करके सब्ट्रैक्ट करोगे जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, इस क्वेश्चन में एड ऑन करने के लिए बोल रहा था, मतलब कि 98 प्लस 89, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले सकते हो जो भी आपकी इच्छा हो रही हो, मगर दोनों डिजिट अलग अलग होनी चाहिए, मतलब एक्स वाई की फॉर्म में होनी चाहिए। एक नंबर वो नंबर YY या XX नहीं होगा, 11 या फिर 22 33 नहीं होगा, वो नंबर अलग-अलग डिजिट होंगी, दोनों-दोनों ऐड ऑन करोगे रिजल्टिंग नंबर 11 से डिविजिबल होगा, व्हिच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, ठीक है ना। अब 4 डिजिट नंबर इज फाउंड बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर सच एज 2525 3232, मतलब कि ऐसे नंबर हैं 2525 3232, वो नंबर किससे डिविजिबल है, एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। पहला ऑप्शन दे रखा है देखो, 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर 4 देखो क्या लिख रखा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। हाँ, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 101। मैंने अभी आपको बताया कोई भी 4 डिजिट नंबर होगा जहां पे 2 बार रिपीटेशन हो रहा होगा तो वहां पे वो नंबर 101 से डिविजिबल होगा। अगर ये लिखा होता इस फॉर्म में 252525 की फॉर्म में तो ये नंबर किससे डिविजिबल था, 10101 से। तो यहां पे सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये 101 से डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम क्वेश्चन देखते हुए चले आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे बहुत ही आसानी से। हमने पिछली बार रूल्स पढ़ लिए हैं, अब रूल्स की मदद से जो जो क्वेश्चन आते हैं उसको आसानी से करते चलेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, 1000 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें, किसमें से, 35 में से, 80 में से, 20 में से, 10 में से, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा क्या ऑप्शन ऐड करें जो नंबर 45 से डिविजिबल हो जाए। 45 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो नंबर 5 और 9 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर 45 से डिविजिबल होते हैं। अगर 1000 के अंदर 35 ऐड करूं तो आएगा 1035, 1000 के अंदर 80 ऐड करूं तो आएगा 1080, 1000 के अंदर 20 ऐड करूंगा तो आएगा 1020, 1000 के अंदर 10 ऐड करूं तो आएगा 1010। देख लो दोनों में से कौन सा नंबर 5 और 9 दोनों से डिविजिबल हैं, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं आएगा, डिजिट सम 9 नहीं आ रहा, हटा दो।
आपको ये बात पता होगी अगर आप मेरी नंबर सिस्टम वाली पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हो, सीख चुके होगे कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है और कौन से नहीं है। इनका डिजिट सम 3 आ रहा है तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका डिजिट सम 1+3 4+5 9 आ रहा है, ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 1+8 डिजिट सम 9 आ रहा है, ये भी नंबर 9 से डिविजिबल है। और आपको क्या देखना है, जो नंबर 5 से भी डिविजिबल हो ये भी नंबर 5 से डिविजिबल हो कि इसकी यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, ये भी नंबर 5 से डिविजिबल है कि ये इसकी यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है। तो दोनों नंबर, ये दोनों 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, इट मींस ये दोनों नंबर 45 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन कौन सा टिक करें? अब देखो इसमें यहां पे छोटा सा हिंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। 80 और 35 दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, मगर दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 35, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपने सोचना है। आप ये बात सोचो, जब 1035 45 से डिविजिबल है तो इसके अंदर अगर मैं 45 एड ऑन करूंगा 1080 नेक्स्ट ही इसका मल्टीपल होगा 1080 जो 95 से डिविजिबल होगा, मगर हमें छोटा नंबर बताना है जो कि था 35। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए 100% मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को करा सकता हूं मैं सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर, मगर इन क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक से पहले मैं बताऊंगा आपको इन क्वेश्चन का बेसिक कांसेप्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले एक बार। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136 लीव्स रिमाइंडर 36, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी। मतलब कि एक नंबर है जिसको डिवाइड करें 136 से, रिमाइंडर कितना आएगा 36। वही नंबर को अगर डिवाइड करें 17 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्वेश्चन में पूछा गया हमारे से। सारे के सारे क्वेश्चन वो करा रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, अपनी तरीके से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, ये तरीके से क्वेश्चन 100% आते हैं एग्जाम में। इन क्वेश्चन का पहले सिखाता हूं आपको बेसिक कांसेप्ट, उसके बाद मैं सिखाऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्योंकि अगर सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा इस कांसेप्ट पे दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो वो शॉर्ट ट्रिक हो सकता है अप्लाई हो या फिर ना हो, मगर एक बार कांसेप्ट सीख लोगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए 100% कर पाओगे। देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि एक नंबर है जिसको 136 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 36, तो वो नंबर क्या होगा। तो मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं, एक नंबर है जिसको डिवाइड करें 3 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो मैंने क्या निकाला, हमें नहीं पता है वो नंबर 4 हो सकता है क्योंकि 3 × 1 = 3 तो रिमाइंडर 1 आ गया। मैंने कैसे निकाला, 3+1 को एड ऑन कर दिया तो हमारा क्या आ गया, डिविडेंट आ गया। तो मुझे एक बात बताओ वो नंबर क्या होगा, 136 + 36 में प्लस कर दूं आएगा 172, हाँ आ गया वो नंबर 172। तो 136 जब से डिवाइड करेंगे, जब 172 को जब डिवाइड करेंगे 136 से, 136 वन जा आता है 136 माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 36। तो हमें वो नंबर कैसे निकालना है जो हमारा डिवाइजर लिख रखा है, प्लस रिमाइंडर करना है, आ जाएगा हमारा डिविडेंट। आपने पहली बात समझी। अब क्वेश्चन में कह रहा है वो ही नंबर को 172 को अगर डिवाइड करें 17 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 17 × 1 = 17 बचा 02, रिमाइंडर कितना आ गया 2, विच इज ऑप्शन नंबर 4th। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दो प्रोसेस थे, पहली हमें ये वाला नंबर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, उसके बाद बोला उसी नंबर को 17 से डिवाइड करो आंसर क्या आएगा, मगर आपने ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करने। इन क्वेश्चन का मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिया, शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपने क्वेश्चन देखो पढ़ना किस तरीके से है। लिखा अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136, यहां तक जो क्वेश्चन लिखा था उसको भूल जाओ, जो लिखा है लीव्स रिमाइंडर 36 जो रिमाइंडर उससे डिवाइड कर देना उसको, जिससे निकालने के लिए बोला गया इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, 17 × 2 = होता है 34, रिमाइंडर 2। देखो आपने देखा था बेसिक कांसेप्ट से, हम जब गए थे 172 को डिवाइड किया था हमने 17 से तब भी रिमाइंडर 2 आया था, और 36 जो क्वेश्चन में दे रखा था रिमाइंडर हमें निकाल के उससे अगर हमने 17 से डिवाइड करा तब भी रिमाइंडर 2 आया। तो अपने क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, अपने क्वेश्चन पढ़ना ही वहीं से है, लीव्स रिमाइंडर 36 से क्वेश्चन पढ़ना है, जो रिमाइंडर बचा उसी नंबर को डिवाइड कर देना 36 से, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वो दोनों कंडीशन पे सेटिस्फाइड करेगा, अगर आप बेसिक कांसेप्ट से जाओगे तब भी और अगर आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे तब भी। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दोबारा से एक और क्वेश्चन है आपको बताऊंगा, पहले बेसिक कांसेप्ट उसके बाद हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। बोल रहा है टू नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 17, दो नंबर हैं जिनको 17 से डिवाइड करा जाता है, ठीक है ना, लीव्स रिमाइंडर 13, एक नंबर ऐसा है जिसको डिवाइड करने के बाद जब हम 17 से डिवाइड करते हैं 13 रिमाइंडर बचता, तो वो नंबर क्या हो गया 30। देखो क्यों, मैंने आपको बताया 17 17 वन जा आता है 17, रिमाइंडर बच गया 30। दूसरा बोल रहा है
रिमाइंडर कितना आया 11. सर क्यों देखो 17 को डिवाइड करें एक नंबर से तो रिमाइंडर आ रहा है 11. तो आपने क्या करना है 17 प्लस 11 ऐड ऑन करना है तो हमारा क्या आ जाएगा डिविडेंड आ जाएगा. तो नंबर कौन सा होगा 28. तो आपने एक बात समझी. अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सम ऑफ दोस टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 17 इन दोनों नंबर्स का सम कर दें अगर हम 30 प्लस 28 आएगा 58 डिवाइड कर दें अगर हम 17 से 17 थ्रीजा कितना होता है 17 थ्रीजा होता है 21 51 होता है तो अगर हम 17 से डिवाइड करें 3 पे 51 तो रिमाइंडर कितना आएगा 7. आपने ये क्वेश्चन देख लिया. ये है इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट. अब सीखो शॉर्ट ट्रिक. मैंने आपको बताया क्या है, मैंने आपको ये बताया है जो क्वेश्चन पढ़ना किस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है इसका. देखो लिखा है टू नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 17 17 से पहले जो लाइन है पूरी की पूरी भूल जानी है. लीव्स रिमाइंडर 13 एंड 11. 13 और 11 को रखना है याद. मैंने जो इसे पढ़ा था पिछले क्वेश्चन के अंदर में याद किसको रखा था 36 को रखा था. इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो लीव्स रिमाइंडर बच रहा है उनको याद रखना है, रिमाइंडर को याद रखना है. इफ द सम ऑफ दोस टू नंबर्स इन दोनों नंबर का कितना आ रहा है सम 24 आ रहा है. 24 13 प्लस 11 24 आ गया. आपने वो नंबर लिया जो मैंने बताया था अभी आपको 30 और 28 बेसिक कंसेप्ट से बताया था वो नंबर निकालने की जरूरत नहीं है. आपने क्वेश्चन में ये देखना है लीव्स रिमाइंडर जो बोल रहा है उनको ऐड ऑन कर देना 24 आ गया और इसी नंबर को 17 से डिवाइड कर देना बजाय इन दोनों नंबर से. अगर आप इन दोनों नंबर से भी डिवाइड करोगे 17 को वही रिमाइंडर आएगा जो रिमाइंडर को डिवाइड करने से आएगा. ठीक है, रिमाइंडर के सम को डिवाइड करने से आएगा. 17 वन जा 17 रिमाइंडर कितना आ गया 7. पहले ही हमारा ये रिमाइंडर आया था जब हमने 58 को डिवाइड करा था 17 से. 17 थ्री आया था 51 रिमाइंडर तब भी 7 आ रहा था और हम इस शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तब भी रिमाइंडर 7 ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम करा रहा हूं, मैं दोबारा जा रहा हूं. अब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे बेस नहीं कराऊंगा, अब सीधा शॉर्ट ट्रिक करेंगे. अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 gives a remainder 63. आपने 899 को भूल जाना है और रिमाइंडर जो लिख रखा है उसको याद रखना है जो कि है 63. उसका क्वेश्चन है बोला if the same number is divided by 29 उसी नंबर को 29 से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा. 29 2 जा होता है 58 रिमाइंडर बचा 5. यही ऑप्शन है जो हमने करा सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर. मगर आपको बेसिक कांसेप्ट देखो क्लियर होने चाहिए तभी इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो समझ आ जाएंगे आसानी से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत आसान है. देखो ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 3. एक नंबर ऐसा है जिसको 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3 आया तो वो नंबर 9 हो गया. ठीक है 9 हो गया वो नंबर. इफ द क्वेश्चन आ गया व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 इस नंबर का सेम नंबर का स्क्वायर मतलब 81 को डिवाइड करें 6 से. 6 वन जा 6 बचा 21 3 जा आ गया 18 रिमाइंडर कितना बच गया 3. ऑप्शन करेक्ट हो गया. ये भी करेंगे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर. ठीक है ना 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करने हैं. अगर आपको बेसिक कांसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे बहुत आसानी से. अगर बेसिक कांसेप्ट क्लियर नहीं है शॉर्ट ट्रिक सीखते रहोगे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होती है लिमिटेड क्वेश्चंस पे मगर ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना. ठीक है ना. अब दोबारा देखो एक बार अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 288 लीव्स रिमाइंडर 18. आपने क्या रखना है लीव्स रिमाइंडर 18 द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17 इस नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा कितना. रिमाइंडर आएगा 1. 2 सेकंड का क्वेश्चन बच गया मगर शॉर्ट ट्रिक से पहले बेसिक कांसेप्ट याद होने चाहिए. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ भी आई तो इस वीडियो को आप उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें जो स्टूडेंट्स एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते ताकि एक भी स्टूडेंट ऐसा ना रह जाए जो सिर्फ पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहा. थैंक यू सो मच.